भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने में सरकार जुटी है, तो वहीं सूबे के कई बड़े अधिकारी भी निगरानी विभाग के रडार पर हैं। निगरानी की टीम ने मंगलवार को पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी के दफ्तर में रेड मारा और डीएओ शंकर झा को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया। आगे चलिए सर। मोबाइल पकड़ो रे मोबाइल। 22/12/2020 को इधर देखिएगा सर। 22/12/2020 को करीब 15 बजे दिन में पूर्णिया जिला कृषि पदाधिकारी श्री शंकर झा को परिवादी बम आलोक चौधरी से 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह राशि बब्बन आलोक चौधरी का NS-31 पर कृषि से संबंधित कोई दुकान है, उसी का लाइसेंस होता है ना, उर्वरक का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस, कीटनाशक का लाइसेंस, वही लाइसेंस को कुछ कारणवश रद्द कर दिया गया था। हाँ, उसी लाइसेंस को रिवाइव करने के लिए ये 1.5 लाख का डिमांड किए थे और आज 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और कुछ नहीं, कोई नहीं। कहाँ से गिरफ्तार किए थे? कार्यालय कक्ष से, संयुक्त कृषि भवन पूर्णिया। दरअसल डीओ शंकर झा ने खाद बीज दुकान के लाइसेंस के लिए बम चौधरी से 2 लाख रुपए रिश्वत की तौर पर मांगी थी, लेकिन बात 1.5 लाख में फाइनल हुआ। पीड़ित ने इसको लेकर निगरानी विभाग में शिकायत किया था। शिकायत के आधार पर गठित टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की तो डीएओ साहब रिश्वत के खेल में तो माहिर मिले, फिर क्या मंगलवार की सुबह पीड़ित 1.5 लाख रुपए कैश लेकर डीएओ के दफ्तर में पहुंचा। तभी पहले से जाल बिछाए निगरानी के टीम ने रंगे हाथ डीएओ शंकर झा को दबोच लिया। इधर देर रात तक निगरानी की टीम डीएओ के आवास पर छापेमारी करती रही। आपको बता दें कि हाल के दिनों में विवादास्पद कार्यवाही को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी चर्चा में रहे हैं। खाद बीज व्यवसायी संघ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था तथा उन पर उर्वरक विक्रेताओं से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। डीओ के कार्यशैली के विरुद्ध में कई दिनों तक खाद बीज विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानें भी बंद रखी थी। बाद में वरीय अधिकारियों की पहल पर दुकानें खोली गई थी। राजा झा, टुडे बिहार न्यूज, पूर्णिया।